बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर के नेतृत्व में बीएसपी के 4500 लीज धारकों के लीज डीड पंजीयन का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें ओए बीएसपी तथा हाउस लीज समन्वय समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नगर सेवा विभाग के लीज सेक्शन के द्वारा 680 से अधिक लीज डीड की स्क्रूटनी संपन्न की जा चुकी है तथा 500 लीज डीड का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। बीएसपी ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर एवं महासचिव परविंदर सिंह तथा उनकी टीम ने लीज धारकों के लीज डीड रजिस्ट्रेशन को गति देने बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग से तथा बीएसपी के उच्च प्रबंधन से चर्चा कर नगर सेवाएं विभाग को अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे नगर सेवाएं विभाग में लीज डीड जाँच का कार्य द्रुत गति से किया जा सके। लीज डीड पंजीयन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र के पदाधिकारी बीएसपी प्रबंधन एवं रजिस्ट्रार ऑफिस दुर्ग से निरंतर संपर्क कर समन्वय बना रहे हैं। इसकी जानकारी बीएसपी ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने दी। आप सबको सभी दी था कि लीज डीड का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ने ओए ने काफी समय से प्रयास किया था और हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी से उनके अधीनस्थ अधिकारियों से मिले थे। उसके बाद यह प्रक्रिया चालू हुई, सरकार ने इसके लिए क्लियरेंस दिया और ये प्रक्रिया चालू होने के बाद हम लोग करीब 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में चालू हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि ये हमारे बहुत सारे सेल जो भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनको वहाँ तक जाना और उसके लिए बार बार उसके लिए जो प्रयास करना लीज रजिस्ट्रेशन के लिए वो असंभव सा था। तो क्योंकि आधे ज़्यादा लोग उसमें सेवनित हैं, हम लोगों ने अपना यहीं पर हेल्प डेस्क चालू किया और हेल्प डेस्क के माध्यम से पिछले 2 महीने में आप देखेंगे अब मुझे भी हेल्प डेस्क हमने चालू किया, 15 जुलाई के एसपीएस पे चालू किया गया और आज 15 सितंबर हो चुका, तो इन 2 महीने में करीब करीब 1400 एप्लीकेशन यहाँ आ चुकी है और 1400 एप्लीकेशन में करीब यहाँ से हम लोग ने 1250 के आसपास एप्लीकेशन हम लोग के TSD टाउन सर्विसेज डिपार्टमेंट नगर सेवा विभाग में उसको भेज दिया है उसके अप्रूवल के लिए। क्योंकि एक डीड बनानी होती तो डीड के पेपर हम लोग यही अपने हेल्प डेस्क से रेडी कराते हैं, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो यहाँ लगाकर उसको नगर सेवा को भेजा जाता है। वहाँ उसमें एक उनकी टीम है, उनके पास एक टीम है जो उसको पूरा क्रॉस चेक करती है, डॉक्यूमेंट चेक करती है और जो भी उसमें खामियाँ रहती हैं उसको सूचित किया जाता है, उसमें पुनः काम किया। तो हम लोग ने उसका प्रयास हमारा था कि हेल्प डेस्क के माध्यम से हमारे अधिकारी कर्मचारी जो लीजधारी हैं उनको सहूलियत प्रदान कर पाए, कम से कम समय में उनका कार्य हो पाए। तो ये हेल्प डेस्क अनवरत कार्य कर रहा है और कल 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और जो बाकी केसेस हैं उस पर भी कार्य चल रहा है। और हम लोग का प्रयास है कि ये तो जो लीज डीड रजिस्ट्री हो रही है पहले फर्स्ट पार्टी की, जिनका खुद के नाम से मकान था उन्हीं का लीज डीड का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन हम लोग ने प्रबंधन से आग्रह किया है कि अब जो दूसरे केसेस हैं जैसे अपने अपने परिवार के किसी के नाम से उसको लिस्ट का ट्रांसफ़र किया उनके भी रजिस्ट्री चालू की जाए, तो एक एक करके ये केसेस आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जिन्होंने किसी दूसरे बीएसपी अधिकारी या कर्मचारी से मकान लिया उनका अकाउंट नंबर आएगा, तो ये प्रक्रिया चालू है और हम लोग हमेशा टच में हैं। हमारे 6 ऑफिसर नगर सेवा विभाग के इस कार्य में हमेशा अनवरत सहयोग कर रहे हैं। श्री विजय शर्मा जी हैं, मनीष पंत जी हैं, नितिन कलिकले जी हैं, यशवंत साहू जी हैं, रविंद्र साहू जी हैं, राघवेंद्र गर्ग हैं, ये सभी इस कार्य में हमेशा सहयोग देते हैं और ये तारतम्य बना हुआ है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को ज़्यादा इसके लिए कोई परेशानी ना हो। जो भी डॉक्यूमेंट कहीं कम भी हो तो हम लोग कोशिश करते हैं नगर सेवा विभाग से उनको कॉपी मिलता है। तो ये प्रयास हमारा है कि जो लीजधारी हैं, जो लीज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और एक लीगल डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आ रहा है, तो उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहा है और हम लोग रजिस्ट्रार कार्यालय में भी हमेशा टच में रहते हैं, कहीं कोई परेशानी होती तो डिस्कशन करते हैं और कोशिश करना है कि इसको और आसान बनाने का भी प्रयास हम लोग जारी रखें ताकि लोगों को हर इंफॉर्मेशन। गौरतलब है कि लीज डीड पंजीयन से संबंधित कार्य के लिए 2 हेल्प डेस्क का संचालन प्रगति भवन ओए बिल्डिंग में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। लीज डीड रजिस्ट्रेशन का कार्य जुलाई 2023 से आरंभ किया गया है, जिसके लिए ओए बीएसपी द्वारा हेल्प डेस्क की सुविधा आरंभ की गई, जिसके माध्यम से 1360 से अधिक लीज धारकों का लीज डीड तैयार किया गया है। लीज डीड रजिस्ट्रेशन के लिए नगर सेवा विभाग के 6 अधिकारियों को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर प्राधिकृत किया गया है। इनमें विजय शर्मा, मनीष पंत, राघवेंद्र गर्ग, यशवंत साहू एवं रविंद्र साहू शामिल हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।